हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल दीपक यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं दीपक अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं एमआई का फ़ोन रेडमी 6A जो कि अभी ही लॉन्च हुआ है सितंबर महीने में। और अमेजोन से मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाया है तो हमारे पास पार्सल आ गया है, तो हम आपको बताएंगे और अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चैनल पर अर्निंग एंड टेक्निकल वीडियो अपलोड करते रहते हैं तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट है जो कि पार्सल है, ये हमें मिला है अमेजोन की तरफ से। हमने जो ऑर्डर किया था रेडमी 6A, तो इसको हम पहले तो खोल लेते हैं। तो मैं इसको खोल देता हूँ। इसकी ये बहुत सस्ता फ़ोन है, मतलब एमआई का फ़ोन सस्ता ही होता है और अमेजोन की सेल से हमने ऑर्डर किया है तो अमेजोन की सेल भी बहुत कुछ सेकंड में ही ख़त्म हो जाती है। तो ये मोबाइल बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद हम इसे खोलेंगे और इसके अंदर एक बिल आ जाता है जो कि जिसे आप वारंटी कार्ड बोलते हैं। तो ये बिल है अमेजोन की तरफ से। अगर कुछ भी प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसकी सहायता से हम इसे दिखा सकते हैं एमआई के सेंटर पे। तो यहाँ पर ये देखिए एमआई 6A रेडमी का, और हम इसको पहले खोल लेते हैं। तो खोला जा रहा है इसे, तो आप देख सकते हैं ये इसके अंदर भी एक और बिल होता है। और ये है फ़ोन रेडमी 6A जो कि इसकी स्क्रीन बड़ी है, लगभग बहुत है तो बड़ी डिस्प्ले है, अच्छी डिस्प्ले है। और इसके अंदर मिल जाता है हमें एक चार्जर जो कि आप देख सकते हैं एडॉप्टर बोला जाता है इसे, तो मोबाइल चार्ज करेंगे हम इससे। और इसके साथ ही हमें इसी में मिलता है डेटा केबल जिसकी सहायता से हम एडॉप्टर से मोबाइल को कनेक्ट करेंगे और कोई भी फाइल वाइल ट्रांसफ़र करनी हो तो लैपटॉप या किसी में डाल के हम कर सकते हैं। और ईयरफोन नहीं मिलता है इसके अंदर। ईयरफोन बेसिकली किसी भी बड़े मोबाइल में नहीं दिया जा रहा है आजकल। और इसके अंदर है पिन जिसकी सहायता से हम इसके सिम स्लॉट को खोलेंगे। और एक और बात कि इसमें जो सिम है वो लगेगी दो, और एक मेमोरी का स्लॉट अलग से है जो कि ये पिन आप देख सकते हैं, और एक मेमोरी का स्लॉट भी है, मतलब कि दो ट्रे इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो इस मोबाइल को हम ओपन कर लिया है हमने और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा ओपन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि कैमरा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और एमआई के फ़ोन तो अच्छे ही होते हैं क्योंकि 6-6 हज़ार का फ़ोन है ये, तो सस्ता है क्योंकि इस प्राइस में दूसरी कंपनी के फ़ोन सेम फीचर्स के साथ में नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब कि एक अच्छी कंपनी है, अभी ब्रांडेड है और चल रहा है, अभी आजकल ज़्यादा डिमांड में है। तो ये था फ़ोन, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन 6 हज़ार में मिल जाएगा, ऑफलाइन 7 हज़ार में, 1 हज़ार महंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।